हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको TCS BPS जॉब से BPS की जॉब से अगर आपको IT साइड में शिफ्ट होना है, अगर आपको IT साइड की जॉब में शिफ्ट होना है, IT के प्रोजेक्ट्स चाहिए या किसी IT कंपनी में स्विच करना है, या TCS में ही अगर आपको IT डिपार्टमेंट चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो, आप BPS से IT में शिफ्ट कैसे हो सकते हो। तो उसके टोटल तीन वेज़ हैं, उन तीनों वेज़ के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिससे आप BPS या अगर आप किसी और भी कंपनी में हो, अगर आप किसी BPO सर्विस में हो तो बेसिकली आप IT में मूव कर सकते हो। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप BPS में हो तो आपका यार मन तो करता ही होगा IT में स्विच करने का, बिकॉज ऑफ हायर पैकेज, हायर वैल्यू, हायर लर्निंग, और अगर कैरियर ग्रोथ की भी मैं बात करूँ तो वो भी BPS सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। तो IT सेक्टर में तो आपको जाने का मन करता ही होगा। तो डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि आप कैसे जाकर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं टोटल तीन वेज की बात करूँगा। पहला मैं आपको चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है योर ग्रेजुएशन मैटर्स। कैसे ग्रेजुएशन मैटर्स? हो सकता है अगर आप BPS में हो तो या तो आप BCA या BSc से हो, या हो सकता है कि इन दोनों डिग्रीज़ के अलावा किसी और डिग्री से हो। यहाँ पर ग्रेजुएशन काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस या BCA के थ्रू अगर आप BPS में गए हो तो आपके IT सेक्टर में जाने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एनी बैचलर्स वालों को कंसीडर कर लेती हैं। लेकिन अगर आपका किसी और ग्रेजुएशन में हो तो आपका BPS में तो काम चल जाएगा, लेकिन फिर आप जब IT में मूव करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर आप BSc या BCA से हो तो उसका एक सेपरेट वे है, और अगर आप अदर ग्रेजुएशन से हो तो उसका एक सेपरेट वे है। तो अगर आप BSc या BCA से हो तो सबसे पहले मैं उसके लिए डिस्कस करता हूँ। तो आपको देखो करना क्या है कि सबसे पहले तो अगर आप चाहो तो आप अपने BPS को थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब अभी आप BPS में काम कर रहे हो तो BPS को कंटिन्यू रखो, मतलब आप BPS में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चालू करो, थोड़ा सा काम करना एक इसमें स्टार्ट करो, ठीक है BPS में। तो अब आप BPS में थोड़ा सा काम कर लोगे, आप थोड़ा टाइम काम कर लोगे, और ये सारी चीज़ें मैं ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोल दूँ और ये चीज़ें ग्राउंड पर वर्क नहीं कर रही हूँ तो उसका कोई मैटर नहीं है फिर। तो मैं ग्राउंड रियलिटी पर लेकर आपको ये चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो आप अगर आप BCA या BSc से हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्किंग। आपको क्या करनी है, अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि TCS में ही कुछ IT के प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, ठीक है। अब IT के प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, यह हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो एज अ BPS उसमें भी एक IT की टीम होगी, IT सेक्टर के लोग होंगे जो डेवलपमेंट पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो या फिर और भी दूसरे कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको नेटवर्किंग के थ्रू पता होना चाहिए। मतलब आपके कनेक्शन हैं, दोस्त हैं, या किसी से आपकी बात बात होती है तो आपको पता है कि आसपास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो IT में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको नेटवर्किंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना IT में थोड़ा एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले तो आपने थोड़ा सा BPS में एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आपके पास नेटवर्किंग पे भी है, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये एक IT का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं इंटरेस्ट हूँ, इसमें मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप उसमें जाने की सोचोगे तो आपको उनको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि आपके आप में IT की नॉलेज है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अपना थोड़ा सा या तो आप रेज्यूम स्ट्रॉन्ग करो, या फिर आप कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह कर लो, या कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो। मतलब IT सेक्टर में थोड़ी आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मतलब आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको आना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़ी बहुत आप पे होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो आपको कंसीडर करेंगे। वरना आपको कंसीडर क्यों करेंगे, आपने तो बोल दिया कि मुझे रख लो IT में, लेकिन ऐसे नहीं काम बनता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस उनको शो करना पड़ेगा। साथ ही साथ में दो लोग हैं जो आपका ये चीज़ संभालेंगे। कौन? अगर देखो, अगर आप अभी करंट प्रोजेक्ट में हो, करंट प्रोजेक्ट की ही आप BPS टू IT वाली टीम में शिफ्ट होना चाहते हो, मतलब अभी अगर आप BPS वाली टीम में हो और BPS वाली टीम से आप IT शिफ्ट होना चाहते हो, आप जिस वाले प्रोजेक्ट में अभी वर्क कर रहे हो उसमें, तो ये काम आपका करेगा मैनेजर। तो आपके मैनेजर को सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि यस, मुझे IT की नॉलेज है, मैं IT का काम कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा फिट हूँ। अगर उनको प्रोजेक्ट में किसी IT वाले लड़के की ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, और अभी आप BPS में वर्क कर रहे हो, और अगर आप अपने मैनेजर से बात कर उसको अगर आप कॉन्फिडेंस में ले लेते हो कि आप IT का काम कर सकते हो बाय शोइंग योर एक्सपीरियंस या कुछ, तो आपका मैनेजर आपको BPS से रिलीज़ करके IT में ला सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आप करंट प्रोजेक्ट में ही ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो आपका मैनेजर आपको BPS टू IT में ले आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ एक्सपीरियंस वगैरह शो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप
पीपीएस में अभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आप चाह रहे हो कि आप एज अ आईटी में जाओ वर्क करने के लिए, ठीक है, करंट प्रोजेक्ट में नहीं, या फिर अभी हो सकता है आपको प्रोजेक्ट मिला ही नहीं है और आप किसी प्रोजेक्ट आईटी में जाना चाहते हो, तो आपकी नेटवर्किंग काम करेगी रिसोर्स मैनेजर और एचआर पे। आपको अपने रिसोर्स मैनेजर को पकड़ना है और उससे ये बोलना है कि मैं आईटी में प्रोजेक्ट चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो एक बार क्लाइंट से या मैनेजर से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवा दो। अब ये इंटरव्यू कोई परफेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है, छोटा मोटा इंटरव्यू होता है जिससे उस प्रोजेक्ट का मैनेजर जिसमें आप जाना चाह रहे हो वो आपसे थोड़े बहुत आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो वो अगर आपने आंसर कर दिए तो वो आपको बीपीएस टू आईटी में शिफ्ट कर देंगे। और इसके लिए आपको अपने रिसोर्स मैनेजर को पकड़ना पड़ेगा, और अगर रिसोर्स मैनेजर को नहीं पकड़ना पड़ेगा तो दूसरे प्रोजेक्ट के मैनेजर को पकड़ना पड़ेगा जिसमें आईटी वाले लड़के की ज़रूरत है, आपको आईटी आता है, मैनेजर से डायरेक्टली बात करो कि मैं कर सकता हूँ, चाहो तो आप मेरा इंटरव्यू लेके देख लो। तो ये एक वे होता है अगर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चाहते हो आईटी में शिफ्ट होना, ठीक है, तो ये एक दूसरा वे हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया जो मैंने बताया था, ये पूरा बीसीए और बीएससी वालों का, तो ये पूरा उनका सिस्टम हो गया। इसके थ्रू आप टीसीएस के इंटरनल में ही बीपीएस टू आईटी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जिनने बीसीए या बीएससी नहीं करी है, उनके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि यार आप मेरे हिसाब से आप एमसीए पे जाओ सबसे पहले, तो या किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेशन पे जाओ, क्योंकि भले ही अगर आप किसी तरीके से अगर स्विच कर लेते हो, अगर आप बीपीएससी आईटी में आ जाते हो या आप किसी और कंपनी में भी चले जाते हो, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर आने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप एमसीए कर लो या फिर किसी कंप्यूटर साइंस का कोई तो कुछ कोर्स कर लो, डिप्लोमा एनीथिंग कुछ कोर्स करो जिससे एटलीस्ट आप शो कर पाओ दैट यू हैव समथिंग इन कंप्यूटर साइंस, ओके। अगर आप एमसीए नहीं करना चाहते हो या आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो डिप्लोमा कोर्स, तो फिर मैं आपको कंसिडर करके कोई दूसरे वेज बताता हूँ या बीपीएस टू आईटी में कैसे मूव कर सकते हो। कि देखो आपके बीपीएस टू आईटी में फिर ट्रांसफ़र होने के चांस काफ़ी रेयर हैं, ठीक है। अगर आप सीएस या आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपके रेयर ही चांस हैं कि वो आपको बीपीएस टू आईटी में डालेंगे, ये ग्राउंड रियलिटी है। एंड सेम गोज फॉर बीसीए बीएससी आल्सो, काफ़ी एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी यही है कि हो सकता है आपको ना डालें, आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और काफ़ी रेयर चांस आपके हैं। तो और अगर आप बीसीए और बीएससी से नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ आपके बिलो 1% चांस हैं कि आप बीपीएस टू आईटी में मूव कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फिर टीसीएस लीव कर सकते हो बीपीएस, अगर आपका आईटी में काम करने का मन है आप बीपीएस लीव कर सकते हो, अगर आप बीसीए या बीएससी से नहीं हो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिर आप टीसीएस लीव कर दो। लेकिन ऐसे लीव नहीं करना मेरे कहने से, लेकिन आपको करना क्या है वो मेरी बात सुनो, पहले आप सुन लो कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वो डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो आप देखो, वरना आप बीपीएस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपको कोई भी एक सेक्टर हो गया, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, किसी भी डोमेन में आपको अच्छी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है। उसके बाद भी आपको एमएनसीज कंसीडर नहीं करेंगी, ठीक है, आपको एमएनसी वगैरह कंसीडर नहीं करेंगी। आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले किसी स्टार्टअप में जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और स्टार्टअप के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बताऊं जहां पर जनरली वो आपसे डिग्री नहीं मांगते हैं, वो है एंजल, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है एंजल लिस्ट, जिस पे आप जाके देख सकते हो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स रिलेटेड जॉब्स पोस्टेड रहती हैं, या आपको कहीं भी अगर मिल जाए जहाँ पे एनी ग्रेजुएट वो मांग रहे हैं और आईटी सेक्टर की जॉब है, बेसिकली ज़्यादातर आपको स्टार्टअप्स में ही इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप वहाँ पर अपनी स्किल्स प्रूव करना चालू करो, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप ऐसे स्टार्टअप्स को टारगेट करो जो इनके लिए डिग्री मैटर नहीं करती है, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, स्टार्टअप्स ही लेंगे आपको। और आपको, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, कई लोग मेरे को रेज्यूमे भी भेजते हैं जो आईटी से नहीं है, तो यार उनका रेज्यूम बहुत ख़राब होता है। पहले आप रेज्यूम बनाना सीखो अच्छे से, रेज्यूम आपको अच्छा बनाना है, प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन करने हैं, स्किल्स मेंशन करनी है, कम से कम इतना तो करना ही है, वरना कोई आदमी क्यों कंसीडर करेगा आपको आईटी वाले से ऊपर रखकर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, लैंग्वेज वगैरह सीख लो, अच्छा डेवलपमेंट सीख लो, उसके बाद सबसे पहले एंजल के या किसी भी स्टार्टअप में जाओ और वहाँ से पहले सबसे पहले स्टार्टअप को ज्वाइन करो। फिर उसके बाद स्टार्टअप में आप अपनी नॉलेज को प्रूव करो, 2 से 3 साल आप काम करो, और 2 से 3 साल काम करके आप किसी एमएनसी में जा सकते हो अगर आपके नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है तो। तो ये एक वे है, और बीपीएस टू आईटी मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं जेनरिक टर्म में बात करूं
जेनरिक टर्म में अगर मैं बात करूं कि अगर बीपीएस वाले हो और आपको टीसीएस में नहीं किसी दूसरी कंपनी में आईटी में स्विच करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो। स्टार्टअप में सबसे पहले नॉलेज गेन करो, जैसा मैंने बताया आप एंजल साइट का यूज़ कर सकते हो या आप किसी और वेबसाइट का यूज़ करके सबसे पहले किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो। और उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक कोर्स कर लो, जैसे वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो गया, ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, कुछ प्रोजेक्ट्स करो उसके ऊपर, रेज्यूम को स्ट्रॉन्ग करो बेसिकली। उसके बाद आप स्टार्टअप ज्वाइन करो, थोड़ा सा वहाँ पर एक्सपीरियंस लो 2-3 साल का, फिर आप किसी बड़ी एमएनसी के लिए ट्राई करो और वो आपको कंसीडर करेंगी, जरूर करेंगी कंसीडर। तो इस टाइप का वे को आप अपना सकते हो। तो ये टोटल 3 वेज थे जो मैंने आपको बताए बीपीएस टू आईटी जॉब में शिफ्ट होने के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर जॉब्स लाइक दिस, मोर अपडेट्स लाइक दिस और ही इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी की वीडियोस भी देख लो। और मेरे मेन चैनल जो है KN Academy, चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।